है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का डेट शो करता है। क्या शो करता है? डेट, कि कंपनी ने बाहर वालों से कितना पैसा लिया है। अब आप पूछेंगे कि सर, कि कंपनी को बाहर वालों से पैसा लेने की जरूरत क्यों पड़ी, हमने तो सुना है कि कंपनी शेयर बेच के भी पैसा लेती है। हाँ, मैं मानता हूँ कंपनी शेयर बेच के पैसा लेती है, पर शेयर बेच के पैसे लेने में कंपनी की ओनरशिप जाती है। क्या जाती है? ओनरशिप। और कंपनी को अपनी ओनरशिप को अगर बचा के रखना है, सिर्फ डाइल्यूट नहीं करना, डाइल्यूट मतलब लोगों को बांटना नहीं है अपनी ओनरशिप, अपने ही हाथ में मैनेजमेंट का कंट्रोल रखना है, तब कंपनी शेयर्स दे के पैसा कलेक्ट करना जरूरी नहीं समझती। तब कंपनी अपने दूसरे तरीके से पैसा कलेक्ट करना जरूरी समझती, वो दूसरा तरीका ही डिबेंचर है। अब डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है? कंपनी का डेट, मतलब कंपनी ने बाहर वालों से कितना पैसा लिया है, वो ये डॉक्यूमेंट शो करता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका नाम क्या है? डिबेंचर। अब डिबेंचर से कंपनी को क्या फायदा? डिबेंचर जनरली कंपनी तब इशू करती है जब उसे लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा चाहिए हो। किसके लिए पैसा चाहिए हो? लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैश क्रेडिट, ये सारी जगहों से क्या कर लेती है? पैसा ले लेती है। बट उसे फॉर द लॉन्ग पीरियड पर्पज के लिए अगर पैसा चाहिए होता है तो वो दो तरीके से लेती है, या तो शेयर्स या तो डिबेंचर्स। और शेयर से क्यों नहीं लेती? क्योंकि उसे अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना है, इसलिए वो किससे पैसा पसंद कर रही है? डिबेंचर से पैसा लेना। तो आप बोल सकते हैं कि डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है। क्या है? बोरोड। अगर कंपनी के ओनर्स डालते हैं तो ओनर्स कैपिटल बोलते हैं उसे अपन। बट कंपनी में जब बाहर के लोगों से अपन पैसा मंगाए और अपनी कंपनी को चलाए, तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? बोरोड कैपिटल। तो अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि एक डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं, एक कंपनी डिबेंचर को इश्यू कैसे करती है, डिबेंचर को बंद कैसे करती है, और बेसिक एक मीनिंग पढ़ेंगे अपन इसमें कि एक शेयर्स और डिबेंचर में क्या फर्क है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर में सिंपली बताया गया है कि डिबेंचर क्या होता है। तो डिबेंचर का मतलब होता है, और डिबेंचर का एक लैटिन वर्ड होता है जिसे बोलते हैं डेबर। डिबेंचर का एक लैटिन वर्ड से आया है डिबेंचर, एक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? डेबर। डेबर का मीनिंग क्या होता है? डेट। डेट मतलब क्या होता है? कर्जा जो कंपनी ने लिया है। तो डिबेंचर एक लैटिन वर्ड से आया है डेबर, जिसका मीनिंग क्या होता है? डेट, जो शो करता है कि कंपनी ने कर्जा लिया है। Thus, it can be said that debenture is a document denoting debt of the company. मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि debenture एक ऐसा document है जो company की क्या show कर रहा है? Debt show कर रहा है। क्या show कर रहा है? Company की debt show कर रहा है। तो इसकी जनरल मीनिंग जो सर फ्रांसिस परमार ने दी दी है, वो क्या दी दी है? डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी एक्नोलेजिंग द डेट। मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के डेट्स को बताता है कि भाई कंपनी ने फलान फलान लोगों से इतना पैसा लिया है। इस पे कंपनी की एक कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? मोहर। मोहर मतलब क्या होता है? थप्पा। कंपनी का क्या पड़ा हुआ रहता है? इस पे थप्पा लगा हुआ रहता है। ठीक है, वरना तो कोई भी बोल देगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना के लेकर आ जाएगा कि भाई देखो मैंने तुमसे पैसा लिया है तो पैसा चुकाओ। तो उस हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस किस लोगों को डिबेंचर दिया है? हाँ, नो डाउट हमारे पास रजिस्टर रहेगा, क्या पता वो रजिस्टर गुम जाए या कुछ उसके साथ मिसकंडक्ट हो जाए उस रजिस्टर के साथ, तो बाहर का कोई भी आएगा सर डुप्लीकेट बना के और बोलेगा कि ले तेरी कंपनी का नाम है, तो हमें ये डिबेंचर हमने तेरे को दिए थे, हमने तेरे से डिबेंचर लिए थे, तो हमारे पैसे चुका, खत्म हो गया पीरियड। तो इसी के लिए कंपनी इसके ऊपर एक कॉमन सील लगा देती है, थप्पा लगा देती है। तो आप बोलेंगे सर कॉमन सील भी तो कॉपी हो सकती है, तो कॉपी कॉमन सील पता करने का वो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो इतना डिटेल में अपन को जाना नहीं है। तो डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए डिबेंचर की कुछ चार पांच पॉइंट्स दिए हुए। जब भी तुम्हें आपको डिबेंचर ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिबेंचर और एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा? डिबेंचर इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। मतलब डिबेंचर के अंदर सबसे पहले क्या होती है? कंपनी की सील होती है। क्या होती है? कंपनी की सील मतलब कंपनी का थप्पा होता है कि भाई ये इस कंपनी ने दिया है डिबेंचर। उसके अंदर ये तो पता होगा ना कि भाई कितनी अमाउंट है, कितने हमने पैसे लिए सामने वाले थर्ड पार्टी से, तो उसपे क्या रहती है? स्पेसिफाइड अमाउंट भी रहती है डिबेंचर की। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि कंपनी को ये डिबेंचर का पैसा कब चुकाना है। ठीक है, उसके अलावा
मुफ्त में तो पैसा दिया नहीं है, सामने वालों ने पैसा इसीलिए दिया है ताकि उससे कुछ फायदा हो, तो उनको जो फायदा होता है तो डिबेंचर पे जो फायदा मिलता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। जैसे आपने सुना होगा अकाउंट्स में कि शेयर के ऊपर जो फायदा होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, अकाउंट्स या BSD मतलब OC जैसे सब्जेक्ट में आपने सुना होगा कि शेयर्स के ऊपर जो मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, वैसे ही डिबेंचर के ऊपर जो मिलता है ना उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो इसमें कितने परसेंटेज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा सालाना या क्वार्टरली या मंथली वॉट एवर जैसा भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी बताया रहता है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर कभी कभी सामने वाली पार्टी को ट्रस्ट नहीं होता, तो क्या करती कंपनी को बोलती है कि भाई हम तुझे पैसा तो दे रहे बट सामने से तुझे अपना एक एसेट हमें एज ए चार्ज पे देना पड़ेगा। चार्ज का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो इन फ्यूचर कंपनी पैसा नहीं चुका पाती, तो ये जो एसेट बेच के जो पैसा आएगा ना उससे सिर्फ इसी पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर का पैसा चुकाया जाएगा, वरना तो बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे कि भाई हमारा भी पैसा बाकी है, हमारा भी पैसा बाकी है। तो उस पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर को अगर कभी सिक्योरिटी चाहिए कंपनी से तो वो कंपनी को ये बोलेगा कि भाई असेट मेरा नहीं है अभी, बट जब भी अगर तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो ये असेट बेचेगा जो तू, और उससे जो पैसा आएगा उससे मेरा ही पैसा चुकाया जाएगा। इस तरीके के चार्ज को फिक्स चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, तो कितने कौन सा एसेट पे चार्ज, उस एसेट का नाम और डिटेल्स भी दी हुई रहती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इन शॉर्ट आप डिबेंचर को कंक्लूड करें अभी, तो डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को क्या एक्नॉलेज करके बताता है, डेट एक्नॉलेज करके बताता है। इसके अलावा डिबेंचर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिबेंचर की, तो डिबेंचर की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसके ऊपर कॉमन सील लगी रहती है। सेकेंड ये है कि उसमें उसकी जो अमाउंट है कितना पैसा सामने वाली पार्टी ने अपन को दिया है वो उस पैसे पर रहता है। उसके अलावा कितना उसका टाइम पीरियड है, कम उसे अब पैसा रिटर्न कर देंगे वो भी लिखा हुआ रहता है। उसके अलावा उसको हर साल, अपन ने पढ़ा है ना कि डिबेंचर लॉन्ग पीरियड के लिए इशू होता है, तो लॉन्ग पीरियड में अपन को मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट की रेट भी स्पेसिफाई रहती है कि भाई इतनी रेट से पे किया जाएगा। उसके अलावा सामने वाली पार्टी को कभी भरोसा नहीं होता तो अपन को उसे अपने कंपनी के एसेट एज अ चार्ज देने पड़ते, तो जो एसेट पे चार्ज है ना वो एसेट भी उधर शो है। ये जो इतना वाला जो पैराग्राफ है ना वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे कट भी कर सकते हो, इससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं अराइज होगा आपकी एग्जाम में एज पर माई एक्सपीरियंस। अब पढ़ना है मेरे को टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। जनरली ये डिबेंचर नाम का एक चैप्टर आपके अकाउंट्स में भी होता है, चैप्टर नंबर 2 है पार्ट 2 का आपके, उसमें भी बताया जाता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, बट अपन को उतने सारे टाइप्स नहीं पढ़ने, रिडीमेबल इरेडीमेबल ठीक है, अपन को कुछ गिने चुने ही पढ़ने हैं, जिसका नाम है चार तरीके के पढ़ने अपन को मेनली। फर्स्ट है मॉर्गेज, सेकेंड क्या है फुल्ली कन्वर्टेबल, थर्ड क्या है पार्टली कन्वर्टेबल, और फोर्थ है नॉन कन्वर्टेबल। अब इनका मतलब क्या होता है, कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के लोगों को डिबेंचर्स देती है। सबसे पहला जो डिबेंचर दिया गया है आपकी बुक के अंदर वो है मॉर्गेज डिबेंचर। अब मॉर्गेज डिबेंचर क्या होता है वो इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो मॉर्गेज डिबेंचर का मतलब होता है द कंपनी बाय इशूइंग सच डिबेंचर्स क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स व्हिच कैन बी फिक्स्ड चार्ज और अ फ्लोटिंग चार्ज। द कंपनी हैज टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस एसेट्स एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। द डिबेंचर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और भी जस्ट अपन ने यही चीज पढ़ी थी कि चार्ज क्या होता है, तो कभी कभी कंपनी अपने लोग सामने वाले लोगों को डिबेंचर इश्यू करती है, उनसे पैसा लेती है, तो सामने अपने एसेट्स को के ऊपर क्या क्रिएट कर देती है चार्ज। चार्ज दो तरीके के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। जब हमने बोल के रखा है कि भाई ये जो AC या वो बोल लो आप, AC बोल लो या मशीनरी बोल लो या फर्नीचर बोल लो, इसी के ऊपर आपका चार्ज है कि जब भी हमारी कंपनी बंद होगी तो आप इसी एसेट से जो पैसा आएगा उसे लेके जा सकते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। बट अगर ये स्पेसिफाई नहीं है कि कोई भी एसेट बोल दिया, कि कंपनी ने ऐसा बोल दिया कि कंपनी जब भी लिक्विडेट होगी तो इधर जितने भी एसेट पड़े हुए उनमें से कोई भी एसेट से आपको पैसा चुका दिया जाएगा, तो उस तरीके के चार्ज को बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब द कंपनी हैज टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस एसेट्स एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। द डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब ये एसेट्स कंपनी अपने फायदे के लिए पीठ पीछे इस्तेमाल ना कर ले, इसी वजह से डिबेंचर होल्डर्स अपने बिहाफ में ट्रस्टी रखते हैं कंपनी में। क्या रखते हैं? ट्रस्टी।
ये ट्रस्टी का काम क्या है, चेक करते रहना कि डिबेंचर होल्डर्स के एसेट कंपनी में संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। ये देखते रहना कि एक ही एसेट के ऊपर हजारों लोगों के तो चार्ज क्रिएट नहीं हो गए, वरना वो एसेट इतना चिंतू सा और पैसे इतने सारे पे करने पड़ेंगे तो उस एसेट से कुछ वैल्यू नहीं आएगी, और एसेट से जितनी वैल्यू आएगी उससे एक दो लोगों का पैसा चुकाया जाएगा। मतलब कंपनी इन शॉर्ट फ्रॉड करना चाहती है इस मैटर पे। तो ये सारी चेक करने के लिए हम लोग कंपनी क्या रखती है, कंपनी रखती है तो डिबेंचर होल्डर्स रखवा सकते हैं अपना एक ट्रस्टी, ठीक है। और ये लास्ट टाइम में तो एकदम सिंपल ही लिखा है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट करेगी तो यही डिबेंचर होल्डर्स का फर्स्ट राइट होगा एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, अगर फिक्स चार्ज है तो। उसके बाद में क्या होता है, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FCD तुम्हारी बुक के अंदर। तो फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होता है, जब कंपनी कुछ समय के लिए ही लोन का पैसा लेना चाहती है, कुछ समय में तो इतना छोटा भी नहीं है, तो लॉन्ग पीरियड ही है, बट वो चाहती है कि बाद में ये डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट कर दे किस पे, इक्विटी शेयर्स में। जनरली कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास जो कैश है ना उस फ्यूचर पीरियड में उतना नहीं रहेगा जिसकी जिसकी बेसिस पे वो उस डिबेंचर होल्डर्स को पैसा चुका पाएगी। तो जनरली कंपनी तब ये इशू करती है जब उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर पीरियड में उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होगी और उनको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी इश्यू करती है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी डिबेंचर्स होते कैसे हैं कि कंपनी बता देती है कि आप हमें इतने समय तक पैसा दे दो, हम आपको ये डिबेंचर्स दे रहे हैं, जैसे ही ये डिबेंचर्स का पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप कन्वर्ट हो जाओगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। मतलब पहले आप क्रेडिटर्स थे, अब क्या बन जाओगे, उस टाइम पीरियड ही खत्म होते ही आप क्या बन जाओगे, कंपनी के मालिक बन जाओगे। तो इस टाइप के डिबेंचर जब इशू करती है कंपनी तो उन डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बट यहाँ पे भी है ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंपनी है ना ऑप्शन देती है, ठीक है। कंपनी क्या देती है, ऑप्शन देती है कि भाई या तो पैसा लेके चले जा, या तो क्या कर ले, जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म हुआ तो सेम अमाउंट के क्या ले ले, इक्विटी शेयर्स ले ले। अगर डिबेंचर होल्डर ऑप्ट करता है कि भाई मुझे इक्विटी शेयर्स चाहिए, तो उसी डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं हम, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। देन इज राइट एज अ क्रेडिटर, वही बोला जा रहा है, वो क्रेडिटर का उसका पीरियड खत्म हो जाता है और वो क्या बन जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है। उसके बाद में क्या आता है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हियर द डिबेंचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेयर वन पार्ट, देखो नाम से क्या हो रहा है, पार्ट में मिलेगा, मतलब आधे पार्ट का तो आपको पैसा मिल जाएगा और आधे पार्ट को आपको कंपनी क्या इशू कर देगी, उसी पार्ट के अमाउंट की क्या इशू कर देगी, इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी। तो ऐसे डिबेंचर्स जो इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम है, जब उसकी कंप्लीशन पीरियड आ जाएगी, तब उसको कंपनी दो पार्ट में स्प्लिट कर देगी, एक पार्ट के बदले तो पैसा रिडीम करवा देगी और दूसरे पार्ट के बदले क्या दे देगी, इक्विटी शेयर्स। तो इसी टाइप के डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। हियर द डिबेंचर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक पार्ट जो होता है जो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, और दूसरा पार्ट कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इन शॉर्ट क्या मिल जाएगा उनको, कैश मिल जाएगा उसके बदले में। इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट द कन्वर्टेबल पार्ट वाइल द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट इज रिडीम, वही बोला जा रहा है, जो कन्वर्टेबल पार्ट होता है उसके बदले में क्या दे देंगे, उनको शेयर्स दे देंगे, और जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट होगा उसको जैसे पीरियड खत्म हो जाएगा तो उस पार्ट की जो भी अमाउंट होगी उनको रीपे कर दिया जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के नाम से क्या पता चल रहा है कि ये शेयर जिंदगी में कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं होने वाले, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होने वाले। किस में नहीं कन्वर्ट होने वाले, इक्विटी शेयर्स में। मतलब जैसे ही इसका टाइम पीरियड खत्म हुआ तो कंपनी को शेयर्स नहीं देने, कंपनी को क्या देना है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद में क्या चुकाना है, मनी मनी भाई दे देना है उनको, क्या दे देना है, मनी भाई, मनी बैक कर देना है उनको। तो दिस डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, द होल्डर्स आर पेड देयर मनी बैक बाय रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है, एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर से रैपिड फायर की तरह फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं इसको। चलो तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा डिबेंचर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया, किससे आया है, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा, डेबर। डेबर क्या बोलता है, डेट। डेट मतलब क्या होता है, कर्जा। मतलब कंपनी किस पे पैसा ले रही है, लोन पे पैसा ले रही है, कैसे ले रही है, लोन पे। ओनर कैपिटल नहीं लगा, कौन सा कैपिटल मिला इधर अपन को, बोरोड कैपिटल। इसलिए सामने जो पैसा अपन को दे रहा है उसे हम या तो क्रेडिटर्स बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, या तो इस भाषा में जैसे शेयर जो खरीदता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर, और इस भाषा में क्या बोलते हैं इनको, डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर की अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन बोले तो डिबेंचर क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के डेट को बताता है
जिसपे कंपनी की क्या लगी हुई है, कॉमन सी। अगर अपन बात करें कि डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि डिबेंचर, सबसे पहले भाई नॉर्मल बात, कि डिबेंचर के ऊपर क्या लगी रहेगी, कंपनी की कॉमन सी लगी रहेगी। ये वो उसके अंदर क्या स्पेसिफाइड होगी कि कितने अमाउंट का डिबेंचर इशू हुआ है, कब रिपेड हो जाएगा ये डिबेंचर, वो भी लिखा हुआ रहेगा, मतलब टाइम पीरियड लिखा हुआ रहेगा। उसके अलावा इतने टाइम पीरियड में, ये जो लॉन्ग पीरियड है उसमें आपको कितना परसेंट का ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी रेट भी स्पेसिफाई की जाएगी। और अगर सामने वाले शेयर होल्डर ने अगर किसी एसेट को अपने चार्ज में लेके रखा हुआ है, तो वो एसेट और उसकी वैल्यू और उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होगी वो उसमें मेंशन रहेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सेक्रेटरी प्रैक्टिस की बुक में टोटल 4 डिबेंचर है। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, इसमें क्या होता है, कंपनी इश्यू करती है डिबेंचर, बट इसको इश्यू करते वक्त कंपनी अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज दो तरीके होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, दोनों का मतलब मैंने देखा कि यह होता है। फिक्स चार्ज मतलब कि आपने कोई पर्टिकुलर एसेट पे जब चार्ज क्रिएट करके बोला कि भाई यही एसेट तेरा होगा जब कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में आएगी, तो ये पर्टिकुलर एसेट से सिर्फ तेरा पैसा चुकाया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। और कंपनी ने ऐसा बोले कि भाई जब कंपनी बंद होगी तो जो भी एसेट बचेंगे उसमें से पैसा चुका देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज। अब ये चार्ट्स को देखने के लिए है ना, कभी कभी डिबेंचर होल्डर्स क्या, तो कंपनी जनरली कंपनी करती है ट्रस्टी अपॉइंट करके देती है। क्या अपॉइंट करके देती है, ट्रस्टी। अब रोज रोज डिबेंचर होल्डर तो कंपनी में आके चेक नहीं कर सकते कि भाई हमारा एसेट उधर है कि नहीं है, उसकी वैल्यू सही से मेंटेन है कि नहीं है, उसको कहीं कंपनी ने कहीं पीठ पीछे बेच तो नहीं दिया, किसी और को तो नहीं दे दिया गिरवी पे। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर कोई फर्स्ट राइट मतलब ये डिबेंचर, ये एसेट से पैसा लेने का। ठीक, उसके बाद में क्या पढ़ा बंदे, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जो फुल्ली कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल्ली मतलब पूरी की पूरी उनकी अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसी को बोलते हैं अपन फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपनी पहले ऑप्शन देती है इनको कि आप भाई या तो आप रिडीम कर लेना या तो आप शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना। अगर डिबेंचर होल्डर ऑप्ट करता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए पैसा, मेरे को तेरे कंपनी का शेयर होल्डर बनना है बाद में जाके, क्योंकि उसे पता है कि कंपनी क्या पता फ्यूचर में जाके ग्रो करेगी, तो मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा एज अ कंपेरिजन टू पैसे लेने से। ठीक है, तो वो जो डिबेंचर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फिर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, और वो उसका क्रेडिटर का टर्म पीरियड खत्म हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। अब कभी कभी डिबेंचर ऐसे भी होते हैं कि जो आधी वैल्यू के तो उनको पैसे मिल जाएंगे और आधी वैल्यू के क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। उस टाइप के डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं अपन, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जो बिल्कुल भी नहीं कन्वर्ट होने वाले, किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, मतलब जैसे ही उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उनके पैसे अपन को क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसके बाद में ये प्रोसीजर दिया हुआ है पूरा, इसको थोड़ी सी देर बाद में अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपनी इश्यू करती है डिबेंचर्स और सामने वालों से पैसा मंगाती है। सबसे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स तक का आ सकता है ये। राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एक डिबेंचर होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, अपन ने जस्ट पढ़ा डिबेंचर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स का मतलब बचपन से पता है तुम्हें, जब से कॉमर्स की दुनिया में घुसे हो, कि क्रेडिटर्स मतलब वो जिनको कंपनी से पैसा पाना है, क्या करना है, पाना है। तो मतलब कंपनी और इन डिबेंचर होल्डर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डेटर क्रिएटर रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, डेटर और क्रिएटर रिलेशनशिप है। तो इसी बेसिस पे कुछ कुछ राइट्स दिए जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, ताकि वो अपने पैसों को बचा के रख सके, और जो उनको इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है या तो जो उनको और फैसिलिटीज मिलती है उस पर कंपनी उनका हक ना मार ले, इसलिए कुछ कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला राइट्स क्या दिया जाता है इनको, ये राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम एट रेट। मतलब क्या बोला जा रहा है इस पहले पॉइंट पे, नॉर्मली बोला जा रहा है कि कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और उसका टाइम भी फिक्स रहेगा कि भाई इतने इतने इंस्टॉलमेंट में, इतने इतने टाइम पीरियड्स में आपका इंटरेस्ट आपके पास आता रहेगा। तो सबसे पहला राइट क्या है कि उनको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो टाइम पे बोला हुआ है और जिस रेट पे बोला हुआ है। अगर कंपनी उन्हें नहीं देती तो वो कंपनी पे केस या तो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं लीगल प्रोसीजर वो अप्लाई करवा सकती है। उसके बाद में सेकंड, तो ये तो सबसे मेन है भाई, अगर डिबेंचर होल्डर ने पैसा दिया था तो यही उम्मीद से दिया था कि भाई अगर फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं था, कोई और तरीके का डिबेंचर इशू किया था, रिडीमेबल समझ लो, मतलब पैसा जिसका मिल जाएगा, तो उनकी तो मेन उम्मीद यही होगी ना कि 5 साल तक तो इंटरेस्ट कमा लिया, 5 साल बाद में तो हमारा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए। तो यही बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि जैसे ही मैच्योरिटी की डेट आएगी तो उनके पास राइट है कि वो जो पैसा उन्होंने दिया था कंपनी को उनको फिर से मिल जाना चाहिए। तो गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड ऑन द मैच्योरिटी डेट। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है टू एग्जामिन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सपोज करो एक कंपनी ने पैसा लिया है किससे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया है, सामने वाले डिबेंचर होल्डर्स बन चुके, कंपनी के पास पैसा आ चुका है। अब कंपनी अंदर से घपलेबाजी कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे शो करते थे कि भाई यही डिबेंचर होल्डर्स है, उनको मिस अप्रोप्रिएट तरीके से गायब करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीजें ना हो तो वो टाइम टू टाइम डिबेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब कंपनी का हेड ऑफिस में जाके वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई चेक करवा सकते हैं। कभी कभी कुछ नॉमिनल फीस भी होती है तो वो फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला भाई, टू ऑप्टेन द इंफॉर्मेशन बाय डिपॉजिट द रिक्वेस्ट फीस। बट उनको ये ड्यूटी, ये राइट नहीं हो गई एक तरीके से, ये तरीके से इंफॉर्मेशन हो गई कि भाई अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ये सारी चीजों की तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फीस मतलब जितनी फीस बनती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 वो आपको पे करनी पड़ेगी। द कंपनी प्रिपेयर्स अ ट्रस्ट डीड विद द डिबेंचर होल्डर्स। द डिबेंचर होल्डर्स हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म दैट फंक्शनिंग इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द डीड। अब देखो कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे बोलते हैं ट्रस्ट डीड। आगे पूरा टॉपिक आने वाला है डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, तो अपन पढ़ेंगे ध्यान से उसे तब भी। बट अभी नॉर्मल शॉर्ट व्यू दे रहे तो कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में डीड, डीड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, एक ट्रस्ट एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी डीड में लिखा था, जो भी एग्रीमेंट में लिखा था वो ही सारी चीजें होनी चाहिए। और डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट है कि भाई वो ये सारी चीजें करवा सकते हैं, अगर कंपनी नहीं करती तो वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। बाकी तो अपन इसको फिर से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे और मैं बाकी तो ओवर भी दूंगा ही आपको। राइट्स टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। मैंने बोला था ना डिबेंचर होल्डर्स चाहे तो अपने बिहाफ में क्या अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रस्टी जो रेगुलरली उनके जो भी एग्रीमेंट है उसको वेरीफाई करते रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर द राइट्स टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। तो ये बोला जा रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रखा जाता है, डिबेंचर ट्रस्टी जो अपन ने पहले भी पढ़ा था मॉर्गेज डिबेंचर के केस में होता है कि भाई उसके एसेट्स को कोई मार के ना ले जाए, कंपनी वाले अपने फायदे में इस्तेमाल ना कर ले। सेवेंथ पॉइंट ये बोला था द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस द डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर मेकिंग द इंपॉर्टेंट एंड डिसीजन। भाई देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्टर्स वो डिसीजन ले रहे हैं, डायरेक्टर्स ये डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अब है ना हमारे एसेट के ऊपर से हम चार्ज उठा रहे हैं, अभी के अभी है ना एसेट से चार्ज उठा रहे हैं और हमें तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे वहां पैसा तुम्हें मिल जाएगा, या तो कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई ये एसेट को चेंज करके हम दूसरे एसेट पे आपको चार्ज दे रहे हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्यों इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अगर समझो इसमें कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया और बाद में जाके पैसा देने से मना कर दिया तो किसके राइट का हर्ट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स के। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी ऐसा कुछ करते हैं काम कि भाई दूसरे एसेट को दे रहे हैं चार्ज, ये एसेट से चार्ज हटा रहे हैं तो और भी कोई चीजें करते हैं, तब उनको डिबेंचर ट्रस्टीज को ये सारी चीजें बतानी पड़ती है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज अंडर द ट्रस्ट डीड इज एडिक्वेटली सेफगार्ड। एकदम अभी अपन ने जस्ट पढ़ा कि जो भी प्रॉपर्टी दी गई है डिबेंचर होल्डर्स को उनके चार्ज पे जो भी प्रॉपर्टी है तो वो सेफली है कि नहीं है ये भी चेक करने का राइट होता है। जनरली डिबेंचर होल्डर्स को नहीं जाते, वो अपने ट्रस्टी को ही भेज देते हैं कि वो जाके देख लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में ली है कंपनी ने, अपन को दी है मॉर्गेज में, वो सही से है कि नहीं है उसको, मतलब एडिक्वेटली मतलब जितनी थी जितनी प्रॉपर्टी पे हमारा चार्ज क्रिएट किया था उतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं संभाली थी। राइट टू इनिशिएट लीगल एक्शन ऑफ द कंडीशन। भाई बोला जा रहा है ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि अगर ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता, ट्रस्ट डीड मतलब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, अगर आपके साथ कोई एग्रीमेंट करे कि भाई मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा तो मेरे को ये माल भेज देना, अगर जाके वो बाद में आपको माल लेने से खरीद मना कर दे और आप किसी किसी आदमी की वजह से किसी और से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुके हो
तो भाई आप उसके ऊपर क्या कर दोगे, केस कर दोगे, भाई तेरी वजह से मेरा ये माल भी नहीं बिका और आगे भी मेरे को नुकसान हो गया। तो भाई सीधी सी बात इधर भी है कि डिबेंचर होल्डर्स के अगर राइट को वायलेट किया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को अपने राइट को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को किसी और जगह पे इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो उसके पास राइट है कि वो कंपनी पे क्या ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, इन शॉर्ट केस भी कर सकता है कंपनी पे। राइट टू रिसीव द रिपोर्ट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एट रेगुलर इंटरवल्स। अब मेरे को बताओ, तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा, स्टेक होल्डर्स बोल रहा। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? वो सारे लोग जिन्हें कंपनी के साथ जुड़ाव है, कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल, एक कस्टमर को एक कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होता है, भाई वो उसी से तो प्रोडक्ट खरीद रहा है। एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट होता है अपनी कंपनी के अंदर, भाई वो उसी में तो काम कर रहे हैं, अगर कंपनी प्रोग्रेस करेगी तो उनकी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें एक डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं, मतलब क्रेडिटर्स भी होते हैं इन शॉर्ट। तो उनके पास भी राइट है कि वो ना कंपनी की रिपोर्ट्स मतलब एनुअल रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, ये सब चेक कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, कि भाई देख रहे हैं कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा मतलब कंपनी लॉस कर रही होगी, तो वो ये तो यही चाहेंगे ना कि हम अपना पैसा फिर से पैसे क्या कर ले, फिर से खींच ले, ठीक है। और लास्ट राइट ये प्रोवाइड किया जाता है, राइट टू रिसीव देयर मनी बैक ऑन प्रायोरिटी बेसिस एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। वही बोला जा रहा है, जैसे अपन ने पढ़ा है कि दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरे क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। अपन ने 11th चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स से पहले किसको पैसा दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से भी पहले किसी को पैसा दिया जाता है जब कंपनी बंद होती है, जिनका नाम क्या है, डिबेंचर होल्डर्स, या तो दूसरे वर्ड में बोल लो क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये कुछ 11 राइट्स दिए हुए थे, आपको 11 के 11 लर्न नहीं करने हैं, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 6 to 7 पॉइंट्स लर्न करोगे, एनफ है। मैं बता भी देता हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट इजीली लर्न हो जाएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 आप लर्न कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2 आप लर्न कर सकते हो, 3 और 4 जुड़े हुए पॉइंट है तो 3 और 4 कर सकते हो, 5th कर सकते हो, और 5th और 6th भी जुड़े हुए तो 5th और 6th कर सकते हो, और लास्ट आप एक 9th पॉइंट कर सकते हो, 9th वाला पॉइंट कर सकते हो, लीगल एक्शन वाला। बाकी सब अगर आपको याद होता है तो मैं कभी मना नहीं करूंगा कि आपको पूरे पॉइंट्स लर्न नहीं करने चाहिए, बट एग्जाम में अपन को मार्क्स भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो, आपको इजिली लर्न हो जाए।